तो दोस्तों, हमारा जो पिछला फेज था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कि जैसे कि वर्ड किसने डेवलप किया, मेरा कितना वर्जन है, कौन सा अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 19 अभी चल रहा है, 19, या फिर आप उसे माइक्रोसॉफ्ट 365 भी कह सकते हो, दोनों एक ही है वर्जन्स, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, पर डिफरेंस तो है, थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में ही, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा इंटरनेट से। अभी के लिए हम वर्ड की ओर देखते हैं। तो वर्ड वर्ड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, वर्ड में क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया था, बाकी तो आप देखते देखते एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे, मेरे से अच्छा भी आप लोग बन सकते हो वर्ड में। इसके बाद तो मैं, अगर आप एक न्यू कमर हो कंप्यूटर के लिए, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो इस मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, एक्सेल ट्यूटोरियल, फोटोशॉप ट्यूटोरियल, एक्सेस ट्यूटोरियल सब डालने वाला हूँ। तो आप लोग फॉलो करते रहना मेरे चैनल को, आप लोग सब सीख जाओगे धीरे धीरे ही, सही पर सीखोगे। तो यहाँ पर हम पहले फाइल में चलते हैं। फाइल में आप देख सकते हैं सेव, सेव एज, ओपन और क्लोज, इन्फो है, रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड, हेल्प, एग्जिट ऑप्शन। तो सेव और सेव एज, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ओपन और क्लोज बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ बेसिक्स पहले सिखा देना है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में तो ज़रूर बात करना ही है, क्योंकि ये भी बेसिक्स में ही बढ़ता है। तो दोस्तों, अभी हम एक कुछ लिखते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा वर्ड में इस फॉर्मूला का यूज़ किया करो, इज इक्वल टू RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन। मेरे को जैसे अभी 8 पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैं 8 लिख के एंटर, देखो आ गया मेरा 8 पैराग्राफ। तो अभी हम इस 8 पैराग्राफ के ऊपर ये सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, मैं आपको सब समझा के करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं इतनी जल्दबाजी की, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को देखने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरलुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यू कैन यूज दिस गैलरीज टू इंसर्ट टैब्स, हेडर, फुटर, लिस्ट, कवर पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हेन यू क्रिएट पिक्चर्स, चार्ट्स और डायग्राम्स, दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक। सो दैट्स इट, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यही कहता है, कुछ इंसर्ट टैब के बारे में कहता है, इंसर्ट टैब के हम बाद में आएंगे, अभी हम जिस टैब में हैं उसके ऊपर फोकस करना, होम टैब, होम टैब, होम टैब, HOME TAB, होम टैब। तो दोस्तों, अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, वर्ड में कुछ भी करो, वर्ड क्या, किसी भी चीज़ में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं पता, देन यू मे क्विट कंप्यूटर, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपका हैंडसेट माउस के ऊपर अगर फ्रीली नहीं हो रहा, तो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कहाँ पर करना है मैं आपको बता देता हूँ, अभी पेंट 3D मिल जाता है विंडोज 10 में, पेंट मिल जाता है हर किसी में, मैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट से टास्क पेंट डाउनलोड कर लो, या फिर मैक में अगर कोई अदर डिफॉल्ट होता है, क्योंकि मैं तो मैक यूज़र हूँ नहीं तो मेरे को पता भी नहीं उसके बारे में, अगर मैक में कुछ होता है तो उससे एक्सरसाइज करो रोज़, क्योंकि माउस के ऊपर अगर पकड़ नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, कीबोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कीबोर्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी कीबोर्ड की स्पीड आने वाली नहीं है। अगर आप कीबोर्ड की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट कमर है, मतलब एकदम न्यू कमर है कंप्यूटर में, तो आपकी कीबोर्ड्स की फिर कीबोर्ड की स्पीड समथिंग लाइक
4 WPM to 8 WPM, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आपको उसको धीरे 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 55, 60, 70, मेरा जैसे अभी करंटली 85 है, तो वैसे ही आपको 50, 70, 50, 30 बहुत है। 30 भी मैं मानता हूँ कि 30 भी बहुत है अगर आप टच टाइपिंग प्रोसेस यूज़ करते हो। अगर आप इनडायरेक्टली कुछ करते हो उसके लिए तो आपको 70, 75 तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप टच टाइपिंग करते हो तो 30 बहुत इनफ है।